Dr. Naveed Nazir Shah, Professor, City Hospital, Srinagar. Kofi, Professors in Sora. Dr. Thak. Dr. M.Y. Zagu, in charge of FDC Amonatna. पिछले 18 महीने में जम्मू कश्मीर के आवाम ने पीपीई किट्स और मास्क के पीछे ऐसे हजारों चेहरों को देखा है जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को खतरे में डाल करके दूसरों की जान बचाने में लगे हुए थे। अपनी व्यक्तिगत दुश्वारियां और परेशानियों को छोड़कर हफ्तों महीनों नहीं बल्कि लंबे समय तक घर से दूर रहकर निराशा भरे माहौल में मैं मानता हूं कि ये चेहरे मानवता की किरण बनकर के पूरे समाज में हम सबको दिखाई पड़े थे। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, सफाई कर्मचारी हों तथा अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, सबने संकल्पबद्ध होकर के कोरोना महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाला और मैं मानता हूँ कि आज भी उनका संघर्ष जारी है। जब पूरी मानवता के अस्तित्व का संकट था, ऐसे काल में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए आज 50 कोविड वॉरियर्स को प्रशासन की तरफ से प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। मैं मानता हूं कि किसी प्रशासन में, किसी सरकार में सर्टिफिकेट और पुरस्कार सीमित होते, लेकिन ये सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर के सभी हेल्थ वर्कर्स तथा सभी डॉक्टर्स को समर्पित है और प्रत्येक कोविड वॉरियर इसका हकदार है। आपके पराक्रम और निस्वार्थ भावना को सलाम करते हुए एक बात मैं निवेदन के तौर पर करना चाहता हूं कि आपने जो त्याग किया है उसके प्रति आभार शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता और न ही सर्टिफिकेट से इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। हमने एक सिर्फ माध्यम चुना है, माध्यम चुनकर के कोशिश की है कि ताकि आपके काम की सराहना हम अपने ढंग से कर सकें, लेकिन मैं या प्रशासन नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर आप सबका ऋणी है। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में गतिविधियां स्वाभाविक रूप से मंद पड़ गई थी, धीमी हो गई थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने मानवता की सेवा की, एक योद्धा की तरह भूमिका निभाई, उसके कारण जम्मू कश्मीर की समस्त मेडिकल फ्रेटर्निटी आज अभिनंदनीय है और मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ऐसे सभी हेल्थ वर्कर्स को भी नमन करता हूं, डॉक्टर्स को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों तक की आहुति दी, अपना बलिदान दिया। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जिन कार्यक्रमों को सभी हेल्थ वर्कर्स को समर्पित किया गया है, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉइज़ के लिए स्पेशल रिलीफ, मेडिकल एक्सपेंसेस और परमानेंट डिजेबिलिटी के लिए अलाउंसेस भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। फिर भी मैं यहाँ बल देकर के कहना चाहूँगा कि सिर्फ आर्थिक मदद ही आपकी त्याग का सच्चा मोल नहीं हो सकती है और इसलिए मैं पूरे यूटी की तरफ से आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनका जिक्र जरूरी है। 4 अक्टूबर को एक दिन में रिकॉर्ड 1,78,000 वैक्सीनेशन हुए और जल्द ही 18 वर्ष से ऊपर की आबादी
को 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। कल शाम को जब मुझे खबर मिली तो मेरे जहन में वो तस्वीरें गूंज रही थीं, चाहे वो गुरेज हो, कुपवाड़ा हो, बांदीपुरा हो, रजौरी हो, पुलवामा हो, पुंछ हो, जिसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी पैदल बर्फ में 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को टीका लगाने जा रहे थे। उनके साथ बहुत सी आशा और आंगनवाड़ी की बहनें खतरनाक नाले एवं दरिया पार करके सुदूर इलाकों में जाकर लोगों को टीका लगा रही थी। अपमान भी सहा, कठिनाइयाँ भी झेलीं, लेकिन अपने कर्तव्य के पीछे से पीछे नहीं हटी। ये सब हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। स्वाभाविक रूप से वैक्सीन हेजिटेंसी दुनिया में थी, देश में थी और जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन आप सबके सहयोग के कारण मैं कह सकता हूँ कि जब आप आगे आए तो वो हेजिटेंसी खत्म हुई और इसके कारण हम लक्ष्य के करीब पहुँच गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का प्रथम डोज का लक्ष्य हम प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि लगभग 18 साल के ऊपर के 92% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। जो थोड़ा फासला बचा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस लक्ष्य को हम जितना जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकेंगे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। जिस स्पीड और स्केल पर हमने पिछले 1.5-2 वर्षों में काम किया है, उसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे याद है पिछले वर्ष मैं 7 अगस्त को आया था और 8 अगस्त को श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में मैं गया था। वहाँ जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। वहीं फैसला हुआ था कि अभी तत्काल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कुछ लोगों को रखा जाए। और मैं कह सकता हूँ कि 14,000 LPM हमारी क्षमता थी उस समय। मुझे तारीख याद है, 29 सितंबर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम सब ने फैसला लिया था कि नहीं, जिले के हर अस्पताल में, हर मेडिकल कॉलेज में और उसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और इवन PHC में भी हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएंगे। और उसके कारण लगभग 1,00,000 LPM आज हमारी क्षमता पहुंच गई है। अब एक दूसरा संकट खड़ा हो गया है कि इस ऑक्सीजन का हम करें क्या। मुझे लगता है कि नई परिस्थिति पैदा हुई है जिस पर हम सबको विचार करने की स्थिति है। देश के विकसित राज्यों की तुलना में भी अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन की उपलब्धता जम्मू कश्मीर में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। पूरे सेकेंड वेव के दौरान मैं खुद भी अनेक अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में मुझे जाने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा नहीं आया कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड हमने रिफ्यूज किया, चाहे दवा हो चाहे इंतज़ाम हो। मैं कह सकता हूँ कि आप सबके दृढ़ संकल्प के कारण, आप सबके सहयोग के कारण एक बेहतर स्थिति जम्मू कश्मीर में रही और इसके कारण आपको आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से लाभ मिलना है। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात खत्म करूं, इसके पहले एक आग्रह, हम सब भी रोज अपील कर रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि तीसरी वेव न आवे, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप अगर कोई बात मीडिया में कहते हैं या लोगों से कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी अख्तियार करें, आप अभी भी उसका पालन करें, मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा असर होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको बनाने में लोग बिहेवियर का पालन करें, इसमें आप भी हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विषय थोड़ा रूप से ऐसे फ्रम फैलाते हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, इस पर विचार करिए।